हेलो एवरीवन। तो आज हम प्लेइंग विद नंबर जो क्लास 8 का टॉपिक है उसके एलिमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। और उसका पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक 3 डिजिट का नंबर है 4A3, ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, उसको एक और 3 डिजिट के नंबर में ऐड किया, वो नंबर है 984, और हमें मिल गया एक नंबर 1327 जो कि 11 से क्या है बेटा, डिविजिबल है। तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो पहले मैंने 1327 लिख लिया, एक 4 डिजिट का नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। तो आप सबसे ही मैं पूछता हूं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बताइए सभी बच्चे, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 एवरीवन। सर, सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस। तो वो डिफरेंस जो आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? सर, जीरो और डिविजिबल बाय 11। यस, इट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11, देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। सो लेट अस डू इट, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। सो मैंने आपको क्या बताया कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जब हम ऑड और इवन प्लेसेस को, राइट साइड, वैसे तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में राइट से ही काउंट करना पड़ेगा। तो मैं बचपन से यही सिखाता हूँ, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट। तो 7 + 3 कितना हुआ बेटा, 10। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस बी बी प्लस। प्लस वन। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, 10 - 1 9 - b। तो बेटा ये जो डिफरेंस है, या तो ये जीरो या फिर एक ऐसा नंबर आया जो डिविजिबल बाय 11 हो। तो 9 में से माइनस करके कुछ 11 से रिलेटेड तो हमें डिविजिबल कुछ मिलेगा नहीं, तो हमें जीरो तो मिल सकता है। 9 में से क्या माइनस करे कि हमें जीरो मिले, बोलो। नाइन तो तो बी की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 9। जैसे ही बी की वैल्यू 9 लेंगे तो 9 - 9 जीरो हो जाएगा। तो जो नंबर है ना 1327, एग्जैक्टली ये 1397 है, जिसमें b की वैल्यू हमें कितनी पता लग चुकी है, 9। तो जो a प्लस b पूछा हुआ है, हमें b की वैल्यू 9 पता लग चुकी है। अब हमारा पर्पस क्या है, a निकालना, ठीक है। अब उसने 1397 हमें कैसे मिला है, 984 में कुछ ऐड करके ही मिला है। तो 1397 में से अगर मैं 984 माइनस कर दूं तो कितना आएगा बेटा, 413। 413 आएगा। वेरी गुड। तो जो इसने 4A3 दिया हुआ है, एग्जैक्टली ये 413 है। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हुई फिर, वन वन। वन ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, यस और नो। और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बोलो। नाइन नाइन ए प्लस उसने बी इक्वल एग्जाम टू में क्या टेन। पूछा, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, ए प्लस बी, 9 + 1 कितना हुआ बताइए, 10। बोलो, इतना अच्छा क्वेश्चन समझ आ गया आप सबको, बहुत अच्छे लेवल का है, ओलंपियाड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। बेटा ये जो आप एक्स्ट्रा बुक्स कर रहे हो मेरे से, आर डी शर्मा, आईसीएससी वाली बुक्स, ये सारे एलिमेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चन ओलंपियाड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओलंपियाड की बुक्स देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी